नमस्कार, जय जगन्नाथ। समस्त को स्वागत करुच्छे बीणापाणी संस्कृत प्रशिक्षण केन्द्र यूट्यूब परिवार को। बहुत दिन पर पुणि थे आम प्रत्येक दिन कंटिन्यू क्लास आरंभ करने जाऊँ। आज आम ये जानवु भारत राष्ट्रपति संबंधित किसी प्रश्न प्रश्नगुड़िक कम से कम आमर 60+ क्वेश्चन रही। तो जितकी संभव ये भिडियो आम अभ्यास करूँ और नेक्स्ट क्लास यहाँ पूरा कम्प्लीट करूँ। एवं यार पीडीएफ पे व्यस्त हेब ना, मुझ ग्रुप पीडीएफ प्रोवाइड करी। तो आरंभ करवा, भारतर प्रथम राष्ट्रपति किए थे? आम वर्तमान राष्ट्रपति संबंधित जो क्वेश्चन आंसर गुड़िक करूँ, यह आमर वर्तमान करेन्ट एवं आम राष्ट्रपति किए, द्रौपदी मुर्मू। तो रिलेटेड आउ बहुत क्वेश्चन मुझे तुम मानक नेक्स्ट क्लास रे प्रोवाइड करी। किंतु वर्तमान कॉमन जो प्रश्न सब रही आम डिस्कशन करूँ। बाकी जो द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति संबंधित जो प्रश्न सबू आसीपे, तो से भाई प्रश्न मुझे नेक्स्ट क्लास तुमको प्रोवाइड करी। तो प्रथम रही, भारत किए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारतर प्रथम राष्ट्रपति किए थे? राइट आंसर कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे कि भारतर प्रथम राष्ट्रपति रही थे। तो पीडीएफ तले प्रकार आंसर आम आड करूँ, जोटा कि तुम मानक सुविधा हाँ, कहीं परीक्षा समय तुम मानक प्रकार पीडीएफ दिजार व्यवस्था कर। नेक्स्ट रही, भारतर प्रथम महिला राष्ट्रपति किए थे? भारतर प्रथम महिला राष्ट्रपति किए थे? प्रतिभा पाटिल, जिकि भारतर प्रथम महिला राष्ट्रपति। एवं भारतर प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति किए? वर्तमान जे रही, द्रौपदी मुर्मू। एवं भारतर द्वितीय महिला राष्ट्रपति किए? द्रौपदी मुर्मू। ओके, ए प्रकार प्रश्न जहाँ सबू हो पार मु नेक्स्ट क्लास तुमको प्रोवाइड करी। तो नेक्स्ट रही क्वेश्चन टी, नेक्स्ट क्वेश्चन रही, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु बननी चाहिए? 30 साल भारतर राष्ट्रपति होगापी कम्रे के वर्ष आयु होगा उचित? 30 वर्ष आयु होगा उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही, भारत के राष्ट्रपति की एक महीने की सैलरी कितनी होती है? तो भारतर जे राष्ट्रपति तांकर गोटे मासर सैलरी केते? तो यह 5 लाख। ओके, 5 लक्ष भारतर राष्ट्रपति गोटे मासर सैलरी है 5 लक्ष। किंतु राष्ट्रपति पदरु विदाय नेबा परे, जेमिति कि वर्तमान रामनाथ कोविंद तांकर मासिक सैलरी केते? राष्ट्रपति पद तांकर कार्यकाल समय सरी जाइछि, वर्तमान तांकर मासिक सैलरी केते? मास सैलरी भत्ता कहा जीव ताकु। तो केते भत्ता तांकर रहुछि? 1.5 लक्ष टंका। ओके, नेक्स्ट रहिछि, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत रे कार्यपालिकार अध्यक्ष किए? तो एठारे राइट आंसर है जो प्रधानमंत्री नुह राष्ट्रपति। तो राइट आंसर है जो राष्ट्रपति। भारत रे कार्यपालिकार अध्यक्ष किए? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? संघर कार्यपालिका शक्ति निहित रही कहा पाखरे? राष्ट्रपति पाखरे। नेक्स्ट देखिबा, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान? राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है। राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो एठारे राइट आंसर है जो भारत का राष्ट्रपति, राइट आंसर कौन है जीव? राज्य का प्रधान है, ऑप्शन ए है जीव राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगो खुजबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रमुख नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रमुख नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन ए हिज राइट आंसर। नेक्स्ट आगो को बढ़िबा, नेक्स्ट क्वेश्चन रही, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडो कौन होता है?
तो भारतीय संविधान अनुसार आम देशर तीनिटी सेनार तीनिटी सेना कौन जल स्थल एवं वायु बा आकाश जल स्थल जोटा आमर इंडियन आर्मी किंबा जोटा आमर स्थल सेना सब रहुचंती एवं नेवी एवं एयरफोर्स तीनिटी सेनार ओके तीनिटी सेनार किए सुप्रीम कमांडर किए एठारे राइट आंसर हो जिवो राष्ट्रपति ओके नेक्स्ट आग को बढ़िया भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का राष्ट्रपति होता है तो राइट आंसर कौन है जिवो भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यर संवैधानिक अध्यक्ष किए भारत का राष्ट्रपति ओके नेक्स्ट आग को बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन रही भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे भारत रे सबुठारु कम बयस थिबा राष्ट्रपति सॉरी प्रधानमंत्री किए हेतिले भारत रे सबुठारु कम बयस थिबा प्रधानमंत्री किए हेतिले राइट आंसर इज नीलम संजीव रेड्डी जी कि भारत रे सबुठारु कम बयसर प्रधानमंत्री हेतिले ओके नेक्स्ट आगो को बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन रही भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांड कौन होता है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांड कौन होता है तो तीनिटी कमांड रो सुप्रीम तीनिटी सेनार सुप्रीम कमांड किए राष्ट्रपति तो एठारे मध्य राइट आंसर हो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांड कौन होता है एठारे मध्य राष्ट्रपति हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार लड़ सकते हैं यानी सिल इलेक्टेड हो सकते हैं तो एठारे यहाँ कौन सी सीमा नहीं एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार इलेक्टेड या लड़ सकते हैं तो राइट आंसर एठी हिजबो कोई सीमा नहीं किसी सीमा से निर्धारित तो नहीं नेक्स्ट रही राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष कहीं कहला लोक मानकर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आम एम पी एम एल ए मानक सिलेक्ट करूचे एवं तक द्वारा एमएलए मानक द्वारा तो कौन करा जाउची ना एठारे आमर राष्ट्रपति निर्वाचन होउची ओके नेक्स्ट आग को बढ़िया राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है तो राइट आंसर एठी हो जिवो राइट आंसर हो जिवो समयानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति ऑप्शन डी हो जिवो राइट आंसर नेक्स्ट रही क्वेश्चन नंबर 16 राष्ट्रपति पद चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है राष्ट्रपति संबंधित जो राष्ट्रपति इलेक्शन जो होची सेथी संबंधित विवाद कहा को निर्देश किसे निर्देशित किया जाता है किए निर्देशन के निर्देशित करी थांती तो यह राइट आंसर हिजबो उच्चतम न्यायालय ऑप्शन डी हिजबो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे भारतर चतुर्थ राष्ट्रपति किए थे वी गिरी भारतर चतुर्थतम राष्ट्रपति वी गिरी रही थे नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री थे निम्नलिखित मध्यरु किए राष्ट्रपति थिले जे कि पूर्वरु केंद्रीय गृहमंत्री रही थे तो राइट आंसर एठारे हिजबो कौन ज्ञानी जेल सिंह ओके ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर इनमें से ज्ञानी जेल सिंह जी की पूर्व केंद्र गृहमंत्री मध्य रही थे से राष्ट्रपति थिले नेक्स्ट रही निम्नलिखित में से आज कोड़ेटा ही करवा नेक्स्ट क्लास रे आम
प्रॉपर लाइव जेबे ठु हमर स्टार्ट हबो लाइव क्लास स्टार्ट हेबा परे आमे ही अधिक क्वेश्चन करि परिबा काहे कि नै सब क्वेश्चन रिकॉर्डेड रहूची एवं मु वर्तमान गाँव रे रहिची तनो नेटवर्क समिति नाही लाइव करबा पई। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति कौन थे? तो क्वेश्चन कौन कहिला, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति कौन थे? तो एठारे राइट आंसर है ज्ञानी जेल सिंह, माने भारत रे राष्ट्रपति निर्वाचन हेबा पूर्व उपराष्ट्रपति किए रही थे एठारे कही, तो एठारे ज्ञानी जेल सिंह। ओके, राष्ट्रपति निर्वाचन पर ही आम उपराष्ट्रपति निर्वाचन होता है कि नहीं, वर्तमान जमी आम राष्ट्रपति निर्वाचित तो हेले द्रौपदी मुर्मू, तापर वर्तमान आमर उपराष्ट्रपति निर्वाचित तो हेले, तो वर्तमान जमीती कि प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित होगा पर कहार निर्वाचन किए निर्वाचित हेले उपराष्ट्रपति, ठीक एठार से क्वेश्चन कहूँ जे पूर्व क्वेश्चन से या कही थिले जे किए थिले जे कि राष्ट्रपति निर्वाचन पूर्वरु जे कि आमर उपराष्ट्रपति रही थिले, बुझेला? तो एबे तो वर्तमान समस्त जानी थिबो जे निश्चित भाबरे आमर उपराष्ट्रपति किए रही चंती, जगदीप धनकर जे कि वर्तमान आमर उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ओके, राष्ट्रपति निर्वाचन सरिबा परे जगदीप धनकर जे कि आमर वर्तमान आमर वाइस प्रेसिडेंट रही चंती। ओके, नेक्स्ट आगो को बढ़िबा, नेक्स्ट क्वेश्चन रही कौन राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? कौन राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो एठारे राइट आंसर है जीव कौन, बीबी गिरी। ओके, तो ये क्वेश्चन टा आउ थे देखा, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन भारत राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं? तो किए भारत राष्ट्रपति हेबा पूर्वरु उपराष्ट्रपति रही थिले जे कि ज्ञानी जेल सिंह, ये प्रथमे राष्ट्रपति तो परे हेले किंतु पूर्वरु ये उपराष्ट्रपति रही थिले एवं परवर्ती पर्यायर ये राष्ट्रपति होते। तो यठार से क्वेश्चन कही किए राष्ट्रपति हेबा पूर्वरु उपराष्ट्रपति रही थिले, ज्ञानी जेल सिंह। ओके, तो आज आम कोड़ेटा ही क्वेश्चन करवा, नेक्स्ट क्लास रे आम यहाँ कभर करने चेष्टा करवा, ठीक अच्छे, एठारे आमर 60 प्लस क्वेश्चन रही, तो मुझे चेष्टा करी नेक्स्ट क्लास रे कवर करने, आज ये आम क्लास को एंड करवा, यार पीडीएफ मु तुमको क्लास कम्प्लीट हो गला परे ग्रुप रे मु प्रोवाइड करदेवि, निश्चित भाव पीडीएफ पे व्यस्त हे नहीं, जो मैंने भी आम पीडीएफ पाइबा चाहूँ आम ग्रुप जॉइन करने चाहूँ 8456045244 नंबर व्हाट्सअप कर। ओके, नंबर व्हाट्सअप कर एवं तुमको ग्रुप्र लिंक दि जाए जो थे कि तुम एड रही यार पीडीएफ पाइपर, आशा करे भिडटी निश्चित भाव तुम्हें हेल्पफुल एवं नेक्स्ट क्लास रे आम पुणी बाकी जो क्वेश्चन रही है कभर करवा, दिने दि दिन समय लगे, रविवार नचे सोमवार पाखर तुम लाइव क्लास स्टार्ट हे। ओके, थैंक यू।